Hello everyone, welcome back to the new vlog or the most awaited series on my channel, the Kashmir vlog series is here. ये vlog 1 है of the series and आशा करता हूँ कि आपको सारी series पसंद आएगी और अपनी कुर्सी की पेटियाँ बांध लीजिए और मेरे साथ travel करिए the paradise of India, Kashmir में. तो सबसे पहली place to visit is Dal Lake. यहाँ पे अंकल जी ने हमारी मोटर बोट करवाई है. अभी चारों बैठे हुए हैं मोटर बोट में. क्या experience है भाई? जो यहाँ का व्यू है वो बहुत क्लासिक है. चारों तरफ पहाड़ों ने हमें ढक रखा है. बीच में वैली के अंदर ये बहुत बड़ी लेक डल लेक चार चिनार यहाँ पे पहाड़ों को ढक रखे. अभी हम जा रहे हैं चार चिनार. यहाँ पे एक प्लेस है उधर, उसे चारों तरफ घूम के पहला स्पॉट यही है कुल मिला के घूमने का. ये वो चार चिनार जगह है. यहाँ पे अभी तो बस दो ही चिनार के पेड़ बचे हैं, बाकी तो सूख चुके. और दो में से भी एक सूखने वाला ही रहा, वो बड़े वाला पेड़. ये चिनार का पेड़ है भैया, बता रहे थे कि चिनार का पेड़ इतनी आसानी से कहीं पे भी नहीं उगता. कुछ चुनिंदा जगह है जहाँ पे उगते हैं एंड काफी फोटोजेनिक प्लेस है ये. देखो चाहो उधर पे गार्डन है बेसिकली छोटा सा, और जो नोटबुक फिल्म है उसकी शूटिंग यहीं पे हुई थी. ये है एक चिनार का पेड़, चिनार की पत्तियां कुछ इस तरीके से दिखती हैं एंड काफी बड़ा पेड़ है ये वाला. दूसरे कोने पे पूरा एंड बाकी इस कोने वाला सूख गया, इस कोने वाले को दोबारा प्लांट किया गया है सारे तरफ सपोर्ट देकर. ये लोग यहाँ पे फोटो खिंचवा रहे हैं और ये हमारा हवाई जहाज जिसमें हमें वापस जाना है. और ये हमारे हवाई जहाज के कैप्टन. कैसे हो भैया? बस बढ़िया. और ये सीनरी, ये यहाँ पे फ्लोटिंग मार्केट है, भैया फ्रूट बेच रहे हैं और बाकी सारी सारी पूरी मार्केट है. भैया अभी ये घास निकाल रहे हैं, इस मोटर बोट में ना घास भी हट जाती है. ये डल लेक के नीचे काफी सी वीड है, उसको निकाल लो, साफ करो रोटर को और इस रोटर को वापस नीचे डाल दो. दोस्तों जैसा कि मैंने बताया जो डल लेक है इसके नीचे काफी सी वीड ग्रो करती है. यही वीड मोटर बोट की रोटर में फंस कर उनकी मूवमेंट में दिक्कत करती है, इसलिए उसको काटना जरूरी हो जाता है एंड उसमें हेल्प करती है ये बोट. इस बोट के आगे लगी हुई है दो सीजर्स जो 4 फीट पानी के अंदर जाकर उस वीड को कट करती है एंड कटी हुई वीड को ये पीछे कन्वेयर बेल्ट के थ्रू ऊपर खींचा जाता है एंड बोट किनारे पे जाकर उसको बाहर फेंक देती है. दोस्तों डल लेक देखने के बाद हम गए थे चश्मा शाही पे, तो आइए देखते हैं ये जगह किस चीज के लिए फेमस है. मुगल गार्डन चश्मे शाही, भाई बहुत बढ़िया जगह है ये. दोस्तों ये चश्मे शाही है, यहाँ से जवाहरलाल नेहरू का पानी पैक होके जाता था. तो पीछे से स्ट्रीम में से पानी आता है, इसमें लोग पानी पीते हैं, वाटर बॉटल भरते हैं अपनी. यहाँ पे मेरे दोस्तों ने पानी पिया लेकिन मैं तो नहीं पी रहा. ऊपर से जो यहाँ पे गार्डन है वो काफी बढ़िया है, काफी फ्लावर्स लगा रखे हैं. धूप बहुत तेज है, चुभ रही है, लेकिन जो हवा चल रही है थोड़ी बहुत वो काफी ठंडी है तो काम चल जाता है अगर आप छाया में खड़े हो तो. दोस्तों इस मंदिर के साइड में है असली होली स्प्रिंग चश्मा शाही भी, जहाँ से जवाहरलाल नेहरू का पानी जाता था. तो यहाँ से पानी फ्लो करते हुए जा रहा है और उस पाइप में से निकलता हुआ. ये वाला पानी मैं भी ट्राई करूंगा क्योंकि अंकल कह रहे हैं यहाँ पे जो भी ऑफिसर है BSF का हो या किसी भी आर्म्ड फोर्सेस का यहीं से पानी भर के जाता है उसके लिए. दोस्तों ये कश्मीर के अंदर परी महल है, काफी हाई एल्टीट्यूड पे लोकेटेड है. और जो ये पीछे पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं ये सारी हमारी इंडियन आर्मी ने ऑक्यूपाई कर रखी है. इधर तक पहुंचने के लिए जो ऊपर सारे पोस्ट हैं इंडियन आर्मी के, ट्रैकिंग ही करनी पड़ती है क्योंकि कोई रास्ता है सच है नहीं. और कहते हैं कि जो परी महल से नीचे का व्यू है उसमें आप सारा कश्मीर देख सकते हो. और जो नीचे आपको ये दिखाई दे रहा है पानी, ये डल लेक का ही पानी है एंड काफी अच्छा गार्डन बना रखा है इसको. दोस्तों अभी हम परी महल के ऊपर आ रखे हैं एंड यहाँ से जो व्यू है ये सारे लोग आपको डिस्क्राइब कर देंगे. किस तरीके का व्यू है भाई? बहुत सीनिक, बहुत ज्यादा सीनिक है यार. ऐसा हमने कहीं देखा ही नहीं है. बहुत बढ़िया. इसको मैंने बोला था यार बहुत बढ़िया मत बोलिए. उसके अलावा तो जो किस तरीके से तू रिप्रेजेंट कर सकता है वो बताइयो. ये जो यहाँ पे बहुत अच्छा टेम्परेचर हो रखा है अभी और जो माहौल है इधर का बहुत कच्च हो रखा है, नेक्स्ट लेवल शिट. यहाँ पे हम एक्चुअली ये 4 फ्लोर में बनाया गया, हम 4th फ्लोर पे खड़े हैं अभी इधर. तो ये थर्ड हुआ, फिर वो सेकंड, फर्स्ट एंड उसके नीचे तो है ही. अंकल ने बोला था कि जब सनसेट हो रहा होगा ना तब आना इधर, और सनसेट का जो रिफ्लेक्शन है उसमें जो डल लेक है काफी बढ़िया व्यू आ रहा है सारे. अभी तो विवेक अपनी फोटो में लगा हुआ है कि इसी कौन सी फोटो अच्छी आई है, पता नहीं इसको पोस्ट करने के लिए जल्दी है. लेकिन जो असली मजा ले रहा है इस पूरे व्यू का वो ले रहा है रक्षित, है ना भाई? Epic. और इसके अकॉर्डिंग जो भाइयों के साथ ट्रिप होती है वो हम किसी और के साथ नहीं कर सकते है. क्योंकि जो मजे आते हैं वो राठी भाई बताएगा किस तरीके से क्या होता है. बहुत बढ़िया. वेल दैट वाज अ डे वेल स्पेंट विद फ्रेंड्स, बातें करी, काफी एंजॉय किया नेचर को. आशा करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा.